योजना निंदी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं, तो अगर आपका राशन कार्ड सही भी है तो भी आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, और इन तीन गलतियों की वजह से आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। और अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है तो वह कैसे फिर से चालू होगा? जी हाँ साथियों, राशन कार्ड आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हो चुका है, लेकिन अगर आप यह तीन गलतियां करते हैं तो आपका राशन कार्ड सरकार की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी तीन गलती हैं जो आपको नहीं करनी है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर किसी कारण से आपका राशन कार्ड रद्द भी हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो आप उसे फिर से कैसे चालू कर सकते हैं, वह भी सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई कारणों से विभाग के द्वारा कई लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका राशन कार्ड सही है और तब भी आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है, तो फिर आप राशन कार्ड कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। इससे आपका राशन कार्ड दोबारा से चालू कर दिया जाता है। देखिए, किसी न किसी कारण से अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है तो आप राशन कार्ड कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और अगर आपकी गलती गलत पाई जाती है या किसी कारण से आपका राशन कार्ड सस्पेंड हो चुका है तो वह फिर से दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। चलिए अब आप गलती जान लीजिए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। पहली गलती, राशन कार्ड कैंसिल होने का सबसे पहला कारण है फर्जी तरीके से बनवाना। दरअसल अगर पात्र आप नहीं हैं और आप ऐसी स्थिति में गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपका राशन कार्ड फर्जी तरीके से बना हुआ है तो आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर आप पात्र नहीं हैं और आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड पर किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। चलिए दूसरी गलती जान लीजिए, विभाग की तरफ से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवाए हुए हैं उन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। दूसरी जो गलती जान लीजिए, राशन कार्ड रद्द होने का दूसरा कारण है इसका इस्तेमाल न होना। कई लोगों के राशन कार्ड तो बने हैं लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी राशन नहीं लेते हैं, और वो भी लंबे समय तक। ऐसा करने से आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है, क्योंकि राशन कार्ड नॉन एक्टिव कार्ड की श्रेणी में आ जाएगा। तो अगर आपने काफ़ी लंबे समय से अपने राशन कार्ड पर राशन नहीं लिया है तो इस स्थिति में भी आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। तीसरा कारण जान लीजिए, उन लोगों के राशन कार्ड भी रद्द हो सकते हैं जो इसे बनवाने के लिए गलत दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं। आप गलत दस्तावेजों की मदद से राशन कार्ड बनवा चुके हैं तो ऐसे में EKYC कर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगवा करके अपने राशन कार्ड बनवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड का EKYC नहीं करवाया है तो आप इसे अपने राशन कार्ड का EKYC जरूर कर लें, क्योंकि सरकार ने EKYC की तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में ही 30 सितंबर तक के लिए KYC की तारीख फिर से बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, यही थी तीन गलतियां जिसके कारण से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।